हाँ, लिखने का मोटिवेशन कैसे आता है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन हाँ, कभी कभी ऐसे होता है कि अंदर कुछ बुलबुलाहट होती रहती है कि नहीं, कुछ लिखना है, कुछ लिखना है। चीज़ें आप देखे, किसी आदमी की लाइफ देखी, बहुत अच्छी लाइफ लगी। हर आदमी की एक दिन की कहानी एक अपने आप में एक दिन की कहानी एक बहुत अच्छी कहानी होती है। इसको थोड़ा ड्रामेटाइज कर दो, ड्रामेटाइज करके लिख दो, बस यही होता है। एक तो यही मोटिवेशन होता है, दूसरी चीज़ है इसके कारण आप किसी की लाइफ में झांक सकते हो, झांक के उसकी सारी चीज़ें लिख दो। कभी कभी चीज़ें ऐसी होती हैं कि आप किसी सोशल इश्यूज पर लिखना चाह रहे हो, अपनी बात लोगों तक पहुँचाना चाह रहे हो, तो एक लिखना, प्ले लिखना या स्क्रिप्ट लिखना अपना एक बहुत बड़ा माध्यम होता है लोगों तक पहुँचने का। दूसरी चीज़ें, बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जो आप कभी जी नहीं सकते हो रियल लाइफ में, कुछ उसमें कुछ खराब कैरेक्टर भी होते हैं, कुछ कैरेक्टर भी होते हैं, तो आप लिखने के टाइम पे आप उस कैरेक्टर को जी लेते हो। तो ये एक सबसे बड़ा मोटिवेशन कभी कभी हो जाता है कि जो आप रियल लाइफ में नहीं जी सकते हो, प्लेटफॉर्म पर जी सकते हो या कागज़ पर जी सकते हो। तो जनरली राइटिंग के हिसाब से अगर देखा जाए तो मैं प्रेफर करता हूँ कि एक इमोशन या फिर एक फील के पीछे जाऊँ और फिर उस फील के साथ में म्यूज़िक लगा के उसके थ्रू फिर बांधने एक कुछ पीस लिखने का ट्राई करूँ। तो जनरली जो भी है, मतलब सीन का जो फील है और इमोशन जो कह रहा है, मतलब उस हिसाब से फिर एक साउंड ट्रैक के साथ में दोनों सिंक करके एकदम एक फ्लो टाइप आ जाए, एक तरीका आ जाए म्यूज़िक से। म्यूज़िक के हेल्प से मैं जनरली लिखता हूँ कि एक कैसा प्रपोज़, मतलब किस डायरेक्शन में ले जाना है। तो बेसिकली वही है, इमोशन को मैं ज़्यादा पकड़ता हूँ। मैं सोचता नहीं होता कि क्या है ये, वो है ये, बट इमोशन को पकड़ता हूँ, फील को पकड़ता हूँ, एंड देन आई चूज़ अ प्रॉपर म्यूज़िक विद दैट, एंड देन बेस्ड ऑन द इमोशन एंड द म्यूज़िक आई ट्राई टू राइट आउट। ठीक है।